ईडी के इशारे पर नाचने लगे हैं बातूनी तोते। मनसे के बीजेपी को समर्थन देने पर एनसीपी की आलोचना। मनसे द्वारा कस्बा और चिंचवार निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को समर्थन देने के निर्णय के बाद पुणे में एनसीपी ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। कस्बा और चिंचवार निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की जंग शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। मनसे द्वारा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बीजेपी को समर्थन देने के निर्णय के बाद पुणे में राकंपा में आलोचना शुरू कर दी है। मनसे अब तक पुणे में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। एनसीपी के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने आलोचना करते हुए कहा है कि अब यही पार्टी बीजेपी को समर्थन देने जा रही है। प्रशांत जगताप ने कहा कि मनसे ने कोथरूड चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लिया था। उस वक्त उन्हें एनसीपी और कांग्रेस के वोट मिले थे। कोथरूड में एनसीपी और कांग्रेस के दम पर नामांकन करने वाले अब कस्बे में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ईडी के इशारों पर बोल घेवड़े के तोते नाचने लगे हैं। उन्होंने इन शब्दों में बीजेपी और मनसे की आलोचना की। इस बार उन्होंने कोथरूड के चुनाव की याद दिलाई है। मनसे ने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। 2019 में एनसीपी और कांग्रेस ने कोथरूड विधानसभा क्षेत्र में एमएनएस उम्मीदवार का समर्थन किया था। बीजेपी ने चंद्रकांत पाटिल को कोथरूड निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी के मनसे प्रत्याशी एडवोकेट किशोर शिंदे को मनोनीत किया गया, लेकिन इस बार मनसे के राज ठाकरे बीजेपी के दबाव में आ गए और उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया। बीजेपी सबको अपना बनाना चाहती है। उन्होंने कहा उपचुनाव में किसी डर की वजह से मनसे से समर्थन मांगा होगा। कस्बा और चिंचवार के उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही बीजेपी ने इस चुनाव को निर्विरोध कराने की भरसक कोशिश की थी, हालांकि उनके प्रयास विफल रहे। उसके बाद मनसे पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने भी पत्र लिखकर इस चुनाव को निर्विरोध कराने की अपील की थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने करार रुख अख्तियार कर लिया था कि वे इस चुनाव को निर्विरोध नहीं होने देंगे। उसके बाद निगाह इस बात पर थी कि आखिर मनसे किसे समर्थन देंगे। मंगलवार को मनसे से अपना स्टैंड अस्पष्ट किया। मनसे नेता बाबू वगासकर ने स्पष्ट किया है कि वह बीजेपी का समर्थन करेंगे। इसके बाद एनसीपी नेताओं ने मनसे की आलोचना करनी शुरू कर दी। कस्बा सीट पर बीजेपी के हेमंत रसानी और कांग्रेस के रविंद्र धनगरे के बीच कड़ी टक्कर होने का अनुमान है।